नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वैशाली के साथ, जहां के महनार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चुनावी सभा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर कश्मीर के आतंकवादियों के बिहार में पनाह लेने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो सोमवार 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी उमेश कुशवाहा के नामांकन के बाद महनार के आरपीएस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया। ऐसे लोग जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार के धरती पर पनाह ले रहे हैं। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह भी कर सकता है। सत्ता कितनी जरूरत है। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कौन क्या कुछ कह रहा है ये आपको सुनाते हैं, है ना। वो आपके वीपी सिंह की गोद में पले हैं, वो चंद्रशेखर की गोद में खेले हैं, वो लालू की शासित की समझाया उन्होंने, ठीक है। लालू जी में उनमें फ़र्क है, लालू जी के अंदर जो रस्टिक विट्स है वो भरा हुआ है। किशन का जो आप रूप है वो हमारे तेजस्वी जी का है। इस पर पार्टियां बौखलाई हुई क्यों, ये बात समझ में नहीं आती। सम्मानित पद पर बैठा हुआ आदमी के मुँह से यह बात निकले, यह बिहार के गरिमा के खिलाफ है। भारत सरकार को, राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए कि वो चुनाव को दूषित कर रहे हैं, लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी की सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव उसके प्रमुख हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से उनका रवैया है उससे कहीं ना कहीं उनको जो है से पनाह मिल जाएगा और वो आ सकते हैं, वो वहाँ छुपने का उनको जगह मिल जाएगा, उनको संरक्षण देने वाली सरकार आ जाएगी। तो चुनावी काल में बिहार की सियासत में का बा और ई बा की एंट्री हो गई है। जी हाँ, नीतीश सरकार के शासनकाल पर आरजेडी लगातार का बा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सवाल उठा रही है। वहीं एनडीए ने ई बा के जरिए विपक्ष पर हमला बोला। आखिर ये क्या कुछ है, एक रिपोर्ट देखिए। मेहनत का टीका माथे पर अध्ययन में सपना भारी बा, जहाँ सा चाहिए एक ही काफी, आइसन हो बिहारी बा, का बा, का हो भैया। बिहार में इन दिनों स्लोगन वार चल रहा है। काबा, बिहार में काबा, बिहार ईबा, बिहार में ईबा। मेहनत का टीका माथे पर अध्ययन में सपना भारी बा, जहां सा चाहिए एक ही काफी, आइसन हो बिहारी बा। विपक्ष पूछ रहा है बिहार में काबा, जिसके जवाब में जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह गाना अपलोड किया है। सिर्फ जेडीयू ने ही नहीं, बीजेपी नेता ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर विपक्ष पर पलटवार किया है। दरअसल आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर इन दिनों नीतीश सरकार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए बिहार में काबा, बिहार में ई बा के नाम से कई सारे संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी के जवाब जेडीयू और बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया है और सरकार की उपलब्धियां बताने की कोशिश की है। जेडीयू ने ट्विटर हैंडल पर गाना पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार को बदनाम करने से जिन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती उनके लिए ये विशेष गीत। थोड़ा जानिए अपने बिहार को और बताइए दुनिया को कि बिहार में काबा, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, कितना गिनाए कि बिहार में काका बा, अब खुद ही देख लीजिए बिहार में ई बा। बिहार में काबा और बिहार में ई बा पर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है।
बिहार में चारों तरफ जो त्राहिमाम कर रही है जनता, हाहाकार मचा हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट है, उसका न असली वीडियो जनता के पास बना हुआ है। बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में कुशासन ही कुशासन है, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। और आने वाले समय में जो भी चुनाव शुरू हुआ है, आप देखिएगा 10 नवंबर को ये पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। सिर्फ ट्विटर पे या सिर्फ मुंह की बात गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। और जिन्हें अब भी नहीं दिखता है कि बिहार में काबा, उन्हें अपने चश्मे का लेंस साफ करने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 25% सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। काबा तो चरितार्थ होता है कि आज से 15 साल पहले का बिहार को लेकर, क्या आज के बिहार पे कुछ नहीं खेबा का कि बहुत परिवर्तन बा? तो जो हकीकत है उसकी चर्चा हमने की है। बिहार में काबा और ईबा की लड़ाई अब किस मोड़ पर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी काल में सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी तेज हो चली है। नीतीश ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी और नीतीश के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियां खूब हो रही हैं। देखिए, चुनावी दंगल में नीतीश वर्सेस तेजस्वी, तेजस्वी के वादे पर नीतीश का पलटवार, अब की बार नौकरी के सहारे नैया पार। हमारी सरकार बनने जा रही है, 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है और पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, जो पहला कलम मेरा अगर चलेगा, तो 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, स्थायी सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। सरकार बनने पर तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के दावे पर सीएम नीतीश कुमार ने सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। नीतीश ने तेजस्वी के दावे को छलावा बताते हुए जनता को इससे सचेत रहने की सलाह दी। यही नहीं, नीतीश ने कानून व्यवस्था को लेकर भी लालू राबड़ी शासनकाल पर बड़ा हमला बोला। आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? ये है संभव? ये कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे से हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए। हम लोगों के पहले पति पत्नी राज मिला 15 साल का मौका क्या किया? कौन सा विकास का काम किया? क्या कानून का राज कायम किया? कुछ भी नहीं किया। और ठीक ही कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, लोग शाम होते होते घर से बाहर निकल पाते थे? क्या स्थिति रहती थी? वहीं 10 लाख नौकरी देने के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी जहां तेजस्वी के वादे को जमीन पर उतारने का दावा कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहा है। जो प्रदेश 118 नरसंहार का प्रदेश थे, जो धार्मिक दंगों का प्रदेश था, जहां पर जातीय उन्माद अपने चरम पर था, वैसे प्रदेश को नीतीश कुमार ने आज 15 वर्षों में सबके साथ न्याय के साथ विकास करके दिखाया। इतना जरूर कह सकता हूं कि जमीन पे लोगों के अंदर एक बदलाव की अद्भुत उत्कंठा है, जो हमने हाल के वर्षों में नहीं देखी। लोग एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलना चाहते हैं और वो सुनिश्चित होगा 10 नवंबर को, आपको यकीन दिलाता हूं। जो बिहार की प्रगति और विकास हुआ है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जिस प्रकार 15 वर्ष विनाश का काल था, यह 15 वर्ष विकास का काल था। जिस तरह से नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी और सत्ता पक्ष में बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा सियासत के गलियारों में वायरल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जेडीयू से टिकट नहीं मिलने से नाराज बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे रामजतन सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामजतन सिन्हा ने कहा कि वो नीतीश कुमार और जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ जगह जगह प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू इस बार 25 सीटें के अंदर सिमट जाएगी, साथ ही बीजेपी को भी 20 सीटों का नुकसान होगा। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर रामजतन सिन्हा ने जेडीयू छोड़ दी थी। जो जनता का विश्वास खो चुका है उसको आप मुख्यमंत्री पद से हटाइए, नहीं तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा। आज से मेरा पूरा जीवन जन आंदोलन को समर्पित है और मेरे लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। अहंकार नहीं, ये आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने आप में पार्टी हूं। राजधानी पटना की कुम्हरार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार पाठक ने नामांकन किया। नामांकन करके निकले विनोद पाठक को समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विनोद पाठक ने कहा कि उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है, जनता ने उन्हें काम करने का मौका दिया तो वो कुम्हरार इलाके को जलजमाव से सबसे पहले मुक्ति दिलाएंगे। विनोद पाठक ने कहा कि वो 25 साल बनाम 25 महीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत खुश हो, बहुत उम्मीद है। कुम्हरार की जनता पूरे मेरे साथ तन मन धन से लगा हुआ है। कुम्हरार की जनता का कहना है कि हम लोग 15 साल से ठगाए हैं, कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा था आपके जैसे। आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। कुम्हरार के जनता के हिसाब से हम बहुत खुश हैं और लोगों का आश्वासन है। एजेंडा कुम्हरार में बहुत सी समस्या हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का। जो सबसे पहला समस्या है जल जमाव का, जो पहला मेरा प्राथमिकता है जल जमाव से छुटकारा पाने का, जो कुम्हरार की जनता जो ये जल जमाव से परेशान है उसका कैसा निपटारा किया जाए। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। हाल ही में पप्पू पांडे के पिता का निधन हुआ, जिसकी वजह से वो 2 दिन चुनाव प्रचार नहीं कर पाए थे। पप्पू पांडे आज जब क्षेत्र में निकले तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कि मुझे नेता बनाना है या सेवक बनाना है, इसलिए कि पप्पू पांडे आपके बीच में सेवक बनकर के काम करता है, नेता बनकर के काम नहीं करता। जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जैसे आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का विकास हुआ है, इस बिहार की चर्चा अगल बगल के स्टेटों में नहीं बल्कि पूरे भारत में होता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बसडीहा हाई स्कूल के मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रामाधार सिंह के पक्ष में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जहां कांग्रेस की जमकर खिंचाई करते हुए उसे भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जमकर बखान किया। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा गरीबों तक सीधा पहुंचना चाहिए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया, जनधन खाता अभियान, और देश में 30 करोड़ गरीबों के खाते खोले। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।